दोस्तों, मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाबिर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जाबिर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि CSC ने अब सबको दे दिया है मौका अपना अपना BC पॉइंट खोलने का। तो दोस्तों, चलिए जानकारी को हम जान लेते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे करेंगे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए सबसे पहले आपको आना है आपके DGmail में। DGmail अपना लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आना है आपको जंक फोल्डर में। जंक फोल्डर में आने के बाद 4:15 पर आज ही के डेट यानी कि 22/2019 के डेट में एक मैसेज आया हुआ है, न्यूज़लेटर आया हुआ है, notifications@dgmail.in। यहाँ पर देख सकते हैं आप HDFC बैंक फाइनेंस सर्विसेज एक्टिवेट। दोस्तों, यहाँ पर DA वेली कॉन्ग्रेचुलेसन। तो शायद आप पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें देख चुके होंगे, लेकिन इसमें नया क्या है दोस्तों, नया हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, कि यहाँ पर HDFC ने जो है VLEOs के लिए जो BC पॉइंट का कमीशन स्ट्रक्चर है वो जारी कर दिया है। कैसे है, कितना कमीशन है, हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, कमीशन स्ट्रक्चर जानने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा अपने DGmail में, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक लिंक है, आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ पर देख पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC VLE कमीशन स्ट्रक्चर है। HDFC VLE कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट में ओपनिंग ऑफ EKYC सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको VLE कमीशन ₹16 दिया जा रहा है HDFC की तरफ से। और ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ये EKYC के माध्यम से था। और ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको ₹40 पे आउट एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, एट द टाइम आपको ₹40 दिया जाएगा। और ₹80 टू बी पैड ऑन M3 प्रोवाइडेड देयर आर 2 क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन अकाउंट एंड द बैलेंस टोटलिंग टू वैल्यू ऑफ 2000 एंड अबव। यदि अकाउंट ओपन किया जाता है उसके बाद 2000 तक अगर कस्टमर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो जाता है, तब आपको ₹80 तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोग इस PDF को देख सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी और कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, जैसे लोन वगैरह का भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी HDFC का सर्विस जो है CSC में आने वाला है। आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मेरा, तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है HDFC का मैंने बताया हुआ है, सारी जानकारी दी है, पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं मेरा। अब बात कर लेते हैं कि मेन चीज़ जो हम लोग का है, हम लोग का AEPS है। कमीशन आपने अकाउंट ओपनिंग का देख ही लिया है, अब मेन चीज़ है AEPS का कमीशन क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AEPS का जो कमीशन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर है। मेन चीज़ जो है हम लोग कमाने का जो जरिया है CC VLE भाइयों के, वो ये है कि रेमिटेंस फंड ट्रांसफर पे आपको ₹6 पर ट्रांजेक्शन मिलेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिक्स चार्जेस जो है, यहाँ पर कैश विथड्रॉल है यहाँ पर 0.4%, यानी कि 0.4% आपको प्रति सभी अमाउंट पर दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम ₹10 पर ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांस अमाउंट विथ सब्जेक्ट में मैक्सिमम आर 10 Indian rupees, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है कैश डिपॉजिट पर भी आपको सेम ट्रांजेक्शन और कमीशन मिलने वाला है। बैलेंस इंक्वायरी पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई कंपनी नहीं देती है। मिनी स्टेटमेंट में आपको ₹1.2 दिया जाएगा पर स्टेटमेंट पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद कार्ड से अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो 0.4% सेम अमाउंट जो है, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर ₹8 ही मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है CSC की तरफ से डाली गई है, आप सब इस जानकारी को देख लीजिए और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन HDFC BC पॉइंट के लिए कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको BC पॉइंट मिल सके और आप जो हैं अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकें और ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।